नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहाना मंडी में और आज इस वीडियो में जानने वाले हैं प्याज के ताज़ा अपडेट, क्या माहौल देखने को बन रहा है, किस तरह की क्वालिटी वाली प्याज आ रही है। चोपड़ा देख सकते हैं कैसी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का भी प्याज नज़र आ रहा है और मथानिया है जो कि भोपालगढ़ वगैरह भी प्याज नज़र आ रहा है। तो क्या पोजीशन रही प्याज की, किस तरह की क्वालिटी आ रही है नासिक वाला, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो जानते हैं मुकेश यशपाल भाई से आज की ताज़ा अपडेट, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हो सर? सर नमस्ते, राधे राधे। सर बढ़िया, किसान भाई कैसे? सबको राधे राधे। हाँ सर, आपके वीडियो का इंतजार करते हैं लोग। अरे धन्यवाद साहब, आप सबका प्रेम है, आपका सहयोग है, आपका आशीर्वाद है सर। आपके आशीर्वाद से सब जानने लगे। सही और सटीक जानकारी दे रहे हो क्योंकि कमेंट के माध्यम से लोग बता रहे हैं। मैं तो कोशिश कर लेता हूँ सर। सर एक मिनट पानी पी लूं। जी सर। तो सर आज क्या बाजार खुला है? सर बाजार ऊपर है 22-22.5 रुपए तक बिके होंगे सौदे अच्छे। अच्छा, आमदनी ज्यादा होने के चक्कर में बाजार ज्यादा उठा नहीं है। नासिक की आमदनी भरपूर है, चोपड़ा लाल जाली बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है आज। बिल्कुल, लाल जाली के अंदर मेरे आगे आगे वैसे आज 12 गाड़ियां तो मेरे आगे आगे खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिक्कत है, प्रॉब्लम है। जैसे ये सारा चोपड़ा है, ये देखिए सर। बिल्कुल सर। हाँ ये एक आप ये दिखा सकते हो, ये भी चोपड़ा है, एक वो खड़ी उधर, तो ये मेरी आंखों के आगे आ गई है। ये सर आज कुछ आवक बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ आवक कुछ ज्यादा है सर आज, और उसमें चोपड़ा भी बहुत ज्यादा है सर। बिल्कुल ज्यादा है सर, बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि सर तेजी का तो माहौल था ना, शनिवार को लोगों ने लोड कराई है। बिल्कुल, जैसे मंडी थोड़ी कम था, माल कम था, तो लोड हुआ है, तो लोगों को क्या मतलब एक्चुअली वहां से जो लोड हुआ फिर संडे को और टाइट हो गया उधर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब जिनकी गाड़ियां खड़ी हैं वो बेच नहीं रहे, व्यापारी बोल लो या खुद की सेल्फ बोल लो जिनकी भराई हुई है, या किसान भाई बोल लो, तो बोले एक दिन रुक जाओ आज आज का दिन। तो आधी आमदनी तो सुबह पहले बिकी है, आधी अभी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है, अब कल पे आमदनी कम होने की उम्मीद है हमें। बिल्कुल। तो सर जैसे ऊपर में जो बाजार बता रहे हो 20-21-22, ये तो सर सुपर क्वालिटी का जो प्याज होगा वही बिका होगा। हाँ नीचे में 17 रुपए तक की बाजार है, ऊपर में 20-21-22 रुपए की बाजार है, एक आधा लाट 22.5 बिका है। अच्छा जी, अच्छा जी। बताने की गाड़ी 23 भरेगा या 22 भरेगा वो बिकी है, मगर वो कोई मार्केट नहीं है इसलिए मैं मुंह से बोलता नहीं हूँ। अच्छा, मथानिया के लिए, क्योंकि मथानिया की कुल अगर आमदनी माने तो 15-20 गाड़ी के आसपास की आमदनी होगी, और उसके अंदर भी सुपर आने में सिर्फ दो ही होती हैं, एक या दो। अच्छा, तो वो बिना भाव तुल जाती है, जो एक्स्ट्रा सुपर ग्राहक हर जगह होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा सुपर ब्याज चाहिए तो वो आके तुला जाते हैं। तुलाने के बाद आड़ती के हाथ में होता है, चाहे वो 21 भरे, चाहे 22 भरे, चाहे 22.5 भरे, तो उस एक आधी दो गाड़ी के अंदर में भाव नहीं बताता कभी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आम बाजार जो मथानिया का है 17-21 रुपए के लिए। और मथानिया की कितनी गाड़ी है? मथानिया की 15-20 गाड़ी है सर आज। तो टोटल मंडी में प्याज की आवक कितनी है सर? टोटल मेरे हिसाब से 50-60 के बीच में होनी चाहिए सर। 50-60। हाँ, और पिकअप सर गिनी नहीं है तो पिकअप अलग होनी चाहिए। तो वो अलग है सर? हाँ वो तो हो यानी सकता है सर, अभी गिनी नहीं है सर, आज आमदनी गिनने में नहीं है सर। तो बैलेंस रहने वाला है सर आज? तो फिर बैलेंस सर रखेंगे आज लोग, क्योंकि पीछे डाउन नहीं है सर आज। अगर नासिक की बात करें तो 20-21 रुपए तो उधर बिक गया मेरे पास। आपको अगर मैं एक कमेंट आ रहे हैं सर अभी, आज अभी लेटेस्ट कमेंट आए 20-21 रुपए बिका है वहाँ। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, 20-21 वहाँ बिका है मेरे पास। कल एक भाई हमारे जो भैया हैं जो लोडर हैं वो लोड करते हैं, तो उन्होंने मेरे को कल, आप ये अपने कैमरे में दिखा सकते हैं जूम करके, ये उन्होंने मेरे को खुद ने भेजा है। अब ये गुजरात मंडी का है, थोड़ा मैं कम समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये आप देख लो, ये व्यापारी भेज रहा है, इसमें एक तो 24 रुपए किलो तो ऊपर समझ में आ रहा है मेरे को। बिल्कुल, ये अहमदनगर मंडी का भाव है, ये नगर की बिल्कुल, आप ये एक बार वापस जूम करके दिखा सकते हो इसको, वो लगा हुआ है बिल्कुल, टप्पा लगा हुआ है सरकार की तरफ से कि ये मंडी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, दिख गई आपको मंडी भी दिख गई। ये सब उन्होंने मेरे को भेजा है, और उन्होंने यही बोला कि बोले यार खींच के बेचना, क्योंकि उनकी गाड़ी खड़ी है, और अकॉर्डिंग टू मी मैंने आमदनी देख के गाड़ी साइड में खड़ी करवा दी कि नहीं यार कल खोलेंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज इतनी आमदनी के बीच में सर ग्राहक भी देखता है इतनी आमदनी है तो भाव से ही नहीं लगाता सर। तो सर आज बात करें नासिक में, और जैसे कौन कौन सी गाड़ी आई, किस एरिया से आई है सर? नासिक के बहुत सारे एरिया आ रहे हैं सर, नगर आ रहा है, अहमदनगर है उधर, नगर आ रहा है, संगमनेर आ रहा है, आसपास की खूब सारी मंडियां सर उधर, हर जगह से आ रहा है। पूना से भी कुछ गाड़ियां हैं? पूना से सर मैंने अभी काउंट नहीं की सर, एक्चुअली मैं थोड़ा आज ज्यादा था मार्केट के अंदर तो मैंने इंटरेस्ट दिया नहीं, बिकॉज ऑफ की तेजी है तो ज्यादा आमदनी को गिनने में मजा नहीं आता सर, तेजी में कम आमदनी होती है ना, तो हाँ ठीक है अपन। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही चीज होती है ग्राहक ज्यादा देख के बावड़ा हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं सस्ता मिल जाएगा। एमपी का कुछ प्याज?
एमपी का सर आज तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, देखिए बैलेंस है पिकअप 41 कट्टे हैं, धनी बोला 18 18 कोई मांग नहीं रहा है, क्योंकि 18 में तो नासिक का जो व्हाइट जाली मैंने आपको बताई थी ना, बिल्कुल उसमें ब्याज बिका 18 एमपी वाला है ना सर। हाँ ये एमपी है सर। और वो पीछे वो नासिक है सर। अच्छा जी, सिंगल पत्ती का सौदा है, 17-18 रुपए किलो बोल रहे हैं। ठीक है सर, तो क्या बाजार रहने वाला है सर, बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ? सर देखो सबसे बड़ी बात तो मौसम, मैंने तो आज भगवान की कसम, मेरे को इतने दिन हो गए अपने को इंटरव्यू बनाते हुए, जब से मैंने आपको बोला वेदर तो वेदर खुल नहीं रहा, बारिश नहीं है तो वेदर खुल भी नहीं रहा। बिल्कुल, और कई इलाके हैं जिधर तो बारिश भयंकर है, अब इलाके काफी सारे हो सकते हैं। राजस्थान में कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा देखने को मिली है लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में अच्छी वर्षा है, उधर आपको मैंने बताया था हुबली में जो अपने आए थे साउथ साइड से भैया, उन्होंने बोला बोला जब बारिश पड़नी चाहिए थी तब पड़ी नहीं, अब पड़ रही है कंटिन्यू, तो वो रुके, वहां से कोई रिपोर्ट आए, और रिपोर्ट बारिश एक दिन में नहीं, मौसम खुलता है और रिपोर्ट आ जाती है, तभी पता लगेगा। आने में 3-4-5 दिन लगते हैं कि हाँ अब मौसम खुल चुका है, बिल्कुल अब पता पड़ेगा कौन से खेत में कितना पानी है, तो ये चीजों में टाइम लगता है सर। बिल्कुल सर, बात करें अपने जयपुर की तो ग्राहकी कैसी है सर? ग्राहकी सर आज तो बहुत अच्छी है, धीरे धीरे खुली है ग्राहकी। हाँ खुली है धीरे धीरे। हाँ खुलेगी ना सर, ग्राहकी तो खुलेगी सर, अब जैसे जिस चीज में तेजी होती है ना सर, वो माल की डिमांड ज्यादा हो जाती है सर ऑटोमेटिक। जैसे लहसुन में था पहले, अब लहसुन में 200 पार था, ग्राहक टूट पड़ के ले रहे थे, बिल्कुल नहीं यार कल और 5 रुपए टाइट हो गए, तो अरे कल 2 रुपए टाइट हो गए, तो बिकॉज ऑफ रिटेलर भी ये सोचता है अगर आज मैं 17 में ले जाता हूँ और कल यही 20 की बाजार हो जाती है, 3 रुपए किलो का तो प्रॉफिट हो गया ना मेरे को, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी ये सोचता है कि आज ही मैं 10 से 15 कट्टे ले लेता हूँ, 10 कट्टे लेने वाला 15 से 20 कट्टे ले जाता है, बिल्कुल ऐसे होता है, तो उसका भी वहाँ बिक रहा है, क्योंकि लोगों को लगता नहीं टाइट बिक रहा है रिटेल के अंदर। जैसे कल मैंने आपको अपने पहले वीडियो बताया था कि 15 में प्याज लेने वाला नहीं 25 में लेता है अपने जैसा भाई, तो वो भी ये सोच रहे हैं यार टाइट हो रहा है बाजार, टाइट हो रहा है, तो वो भी सोचते हैं यार 5 किलो लेके घर पे रख लो। एक रिटेलर के पास जो ग्राहक आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी ये सोचता है कि नहीं यार 2 किलो नहीं तो 5 किलो ले ले, क्या पता और टाइट हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि लोग अभी 97-98 को भूले नहीं है, मतलब जो भाव 98-97 रुपीज किलो केजी बेचा गया था जयपुर मंडी के अंदर, उसको भूले नहीं है, वो एक एक दिन में 6-6, 7-7 रुपए किलो की तेजी आई थी, बिल्कुल सर। तो सर अभी जैसे साउथ की या फिर नासिक की बात करें तो नया प्याज कब तक आने वाला है सर? अलवर से पहले नासिक का जो नया प्याज है उसकी मेरी कल अच्छे ढंग से बात हुई थी, कल हमारी छुट्टी थी, संडे थी, ऑफ था, तो मेरी अच्छे ढंग से बात हुई थी, बोले बारिश है ही नहीं, और बारिश से ही प्याज होता है जिन इलाकों में होता है, नासिक तो बहुत कम लगा है, और बहुत कम जो आएगा नासिक की तरफ से कम आएगा, तो अलवर वाले और झालावाड़ वाले इस बार डरने की कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा जो नासिक बीट करता था उन इलाकों में भी मेरे हिसाब से इस बार अलवर सपोर्ट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे अभी तो टाइम है अलवर वालों के लिए, पूरा अगस्त सोचने के लिए लगाएं या ना लगाएं, सितंबर में लगाएंगे लास्ट एंडिंग, जैसे बाजरा कटाई होती है उसके बाद, तो अभी टाइम है उनके पास, खूब सोच सकते हैं कभी फायदा है या नहीं है। नहीं फायदा है सर, फायदा है 100% फायदा है, लागत कहीं नहीं जाएगी सर, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ 15 से 20 रुपए प्याज डाउन नहीं जाएगा। जैसे नासिक वालों की कल रिपोर्ट आई है नई फसल के लिए, नई फसल इतनी ज्यादा नहीं लग पा रही है, और जो साउथ है उधर अगर बारिश बता रहे हैं, अगर वो खराब हो गई तो मतलब ये हो जाएगा कि तेजी बनी ही रहेगी, बिल्कुल सर। और अगर मान लो साउथ की फसल खराब भी नहीं होती है, तब भी मान लो जो जहाँ पे 35-40 जाएगा वहाँ मेरे हिसाब से 20-25 रह सकता है, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ सर, 15-20 कहीं नहीं जाएगा सर, बिल्कुल, क्योंकि साउथ का भाड़ा है सर 5 रुपए का भाड़ा है, बिल्कुल सर। आज की तारीख में अगर आप 10 वहाँ खरीदते हो 1 रुपए के अंदर लोडिंग और शॉर्टेज मानते हो, 2-2.5 से 3 दिन लगते हैं सर गाड़ियाँ पहुंचने में, बिल्कुल बिल्कुल। साउथ जो हुबली और ये है सर, वो यहाँ से मेरे हिसाब से 2200 किलोमीटर दूर है, 2200 किलोमीटर जहाँ से नया प्याज आएगा, बिल्कुल तो आएगा वहाँ से, तो वहाँ से 4 से 5 रुपए का भाड़ा लग के आएगा सर, अगर 10 भी लेगा तो 1 रुपए की शॉर्टिंग मान के भी लेता है तो 16-17 तो यहाँ पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कम कैसे बिका लेगा सर, बिल्कुल, उसको भी व्यापारी को पैसे बनाने हैं, और इसके अंदर किसान नहीं आते, वो जितने आएंगे हसन मंडी और यहाँ सबसे आएंगे हुबली से, व्यापारी लोड करते हैं, जैसे आप और मेरे जैसे उधर जाके मंडियों से और खेतों से माल खरीदते हैं, वो लोड करते हैं, तो वो उनको अगर 1-2 गाड़ी में घाटा आ गया तो वो बंद कर देते हैं सर, नहीं भरते फिर वो। और नहीं उसके बावजूद भी अलवर का जो प्याज है उसकी अपने आप में डिमांड है सर, लाल प्याज की, बिकॉज ऑफ सर मंडी के अंदर प्याज बहुत आता है, खपत बहुत ज्यादा पूरी हो जाती है, रेड कलर आता है, साइज अच्छा आता है, चीजें अच्छी आती हैं, ऑक्शनल मंडी है, ऑक्शन होते हैं सारी चीजें, बिल्कुल। उसके पास में एक खेड़तल मंडी और बन गई है, अलवर पूरी नहीं कर पा रही तो खेड़तल और बना दिए लोगों ने, कि आमदनी बढ़ रही है, और उधर के लोग खेड़तल में बहुत ज्यादा, उधर लोग सबसे बड़ी चीज है कि जो गाड़ी बनाने वाला होता है उसकी 1-1.5 घंटे में गाड़ी बन जाती है, अलग अलग ऑक्शन होते हैं, बिल्कुल हर दुकानदार अलग अलग ऑक्शन करता है, तो उधर 2-2.5 घंटे में गाड़ी भर के हरियाणा वाले या पंजाब वाले निकल जाते हैं, दूसरे दिन की मंडी हो जाती है, बिक जाता है, तो उस चक्कर के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो सर एक एवरेज भाव हम लेके चले, मान लो
तो 30+ बिक सकता है सर सितंबर में। सर देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके माध्यम के थ्रू आपसे, आप लोगों को जो मेरे को प्यार दिया है सच में, जो मेरी अगर मेरी ये मेरी थॉट है, अगर जैसे ये प्याज खराब हो रहा है फसलों में, अगर खराब हो जाता है तो प्याज बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छा भाव रहेगा। नासिक वालों से जैसे कल मेरी 5-7 जनों से बात हुई और आपके माध्यम के थ्रू फोन आया तो बोले वर्षा नहीं है, जो होनी चाहिए इस साल वर्षा नहीं है, तो उधर फसल वो नहीं लग पाई है जो लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी थिंकिंग है। तो अगर ये सब चीजें हैं, अगर इन सबको अपन एक मेल करते हैं तो उसके अंदर यही निकल के आता है कि सर लंबे टाइम तक अच्छा भाव रहना चाहिए, लंबे टाइम तक। और अच्छा भाव मतलब 30 बोल लो, 40 बोल लो, 50 बोल लो, मगर सर थोड़ा राजस्थान के अंदर मेरे को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि टमाटर के साथ 160 रुपए कांटे पे और 70 रुपए सिटी में, तो ये सरकार ने किया, ये जिन्होंने लोग जो अपने पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने किया, जो एक आम जनता तक प्रोवाइड कराया, बहुत अच्छा काम है, मैं एग्री करता हूँ बहुत अच्छा काम है। मगर जो जहाँ व्यापार कर रहा है उसको तो बढ़ते नहीं थे सर, वो बेचारा वहाँ से 140 में भरा रहा है और 150 यहाँ पड़ रहा है और 130-120 में बेच रहा है, तो मैं कांटे की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने हिला दिया, मतलब सरकार ने एक आम इधर जो आड़ती है उसको बिल्कुल घाटा खाने पे मजबूर कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, मैं बोल रहा हूँ आम आदमी के लिए बहुत बढ़िया है, मगर ऐसा प्याज में हो सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्शन है। इस साल राजस्थान में इलेक्शन है, आने वाले 12 महीने के अंदर अपने को इलेक्शन देखना है, तो सरकार सोचेगी, सारे हर कोई आदमी सोचेगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, क्योंकि उसको उस इलाके से जीतना है तो वो हर चीज़ प्रोवाइड कराएगा, सब चीज़ें मिलेंगी। अब मान लो सपोज करो प्याज 60 रुपए किलो हो जाता है खराब होने के चक्कर में, एक सपोज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल 60 रुपए किलो हो जाता है, और वहीं अगर आप मंडी के अगर सिटी के अंदर ऐसी पिकअप है, पिकअप के अंदर लोड करके सरकार अगर 30 रुपए किलो या 40 रुपए किलो बिकवाएगी, बिल्कुल जो अभी सरकार के हाथ में होल्ड है नासिक के अंदर, जो नेफेट बोलते हैं जिसको 35 लाख टन कुछ आया था टीवी में भी, जो सरकार ने उधर स्टॉक किया है अपने हाथ के अंदर, वो अगर कॉलोनीज और इनमें बिकने लग गया 30-35 रुपए किलो, तो फिर बाजार डाउन आएगा ना सर, बिकॉज ऑफ राजस्थान के अंदर तो प्रॉब्लम है ना सर। और जिन स्टेट्स में नहीं आएगा, नहीं है इलेक्शंस, तो मेरे हिसाब से थोड़ा कम आना चाहिए बिल्कुल वेरिएशन। बाकी हाँ, हर इलाका डिमांड करेगा प्याज की, क्योंकि तेजी बनेगी तो तेजी में डिमांड रहती है सर। तो नहीं सर देखो, प्याज में एक एवरेज भाव मिल जाए किसानों को, कि ना तो आम पब्लिक को परेशानी हो और ना किसानों को नुकसान हो, यानी लगभग 25-30 का अगर भाव मिल जाता है किसानों को, तो उसमें किसानों को लॉस नहीं होगा और आम जो जनता है उसको भी इतना नुकसान नहीं होगा सर। सर क्षमा चाहूंगा आपसे, मगर एक चीज बताता हूँ, मैंने उस दिन भी बोला था, आपको आज वापस बोल रहा हूँ, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक पंडित भी उसकी कुंडली नहीं देख सकता। बिल्कुल। तो अभी तो आप बता रहे हो खुद अपने माध्यम के थ्रू, अभी सितंबर में किसान लगा सकते हैं, तो अभी तो बच्चा माँ की कोख में भी नहीं आया है, बच्चा आएगा कैसी ऑन आती है, जलेबी रोग कितना नुकसान पहुंचाता है, या वर्षा अपने अपने इलाकों में कितना, मान लो सपोज करो प्याज लगा और वर्षा हो गई, बारिश हो गई, खेतों में पानी भर गया, फिर तो अपन कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना सर। फिर तो सरकार क्या करेगी, सरकार अगर कॉलोनी से बिकाएगी मगर मंडियों में थोड़ा ना बिकेगा। बिल्कुल। अब सरकार ज्यादा ज्यादा ये कर सकती है, किसानों से डायरेक्ट लेगी और कम करके बेचेगी, जो हमारे शिवराज जी ने किया था, महंगा लेके थोड़ा सस्ता बिकवाया था, मतलब उन्होंने बेचारों ने अच्छी काम किया था कि ले लिया था किसान से, मगर बिकने के टाइम प्याज खराब हो गया था तो बहुत सस्ते रेटों में बेचा था। बिल्कुल। शिवराज जी हमारे सीएम जो साहब हैं एमपी के, उन्होंने बहुत अच्छी ये नीति की थी, तो सरकार भी ये कर सकती है कि अगर किसान से 70 रुपए किलो खेत में लेके और 30 रुपए बेच रही है, तो वो तो सर सरकार आम आदमी के लिए सोच रही है। तो अभी तो माँ के कोख में बच्चा ही नहीं लगा, अभी तक तो बेटा होगा या बेटी होगी यही नहीं पता अपने को, कितना ऑन आएगा यही नहीं पता, और अपन उसके लिए बोले। बाकी हाँ, लंबे टाइम के लिए जो ये अभी जो फसल लगनी थी और नहीं लग पाई है, उसके सिलसिले में मैं ये बोल सकता हूँ कि 15-20 रुपए प्याज रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, नीचे नहीं आएगा। और आप लोग जैसे जो मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं और जो भाई मुझसे पूछते हैं कब होगा, तो सर कोई भी भगवान नहीं है आज की तारीख में ना आप, और यही चीज़ अगर मेरे को बताओ मैं भगवान हूँ, तो सर मैं तो सब चीज़ें बेच के प्याज में पैसा लगा लूँ सर। बिल्कुल। होगा, ये अनुमान होता है सर आपका मेरा, जो लोगों से साथ बातें करके पता पड़ता है, जो लोगों से मिलजुल के, जैसे आप किसानों से बात हुई तो पता पड़ा कि बारिश कम है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ऑन टाइम नहीं बढ़ रही है तो फसल कम है। तो इसको देख के मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 15-20 रुपये रहेगा, लगा लो, कोई डरने की बात नहीं है, और आपका नसीब से बढ़कर कुछ नहीं है। आपके नसीब में अगर 50 रुपए किलो है तो इस साल नसीब आजमाओ, आपका नसीब अच्छा होगा तो 50 भी बिकेगा, 40 भी बिकेगा, 30 भी बिकेगा, बिल्कुल, मगर घाटा नहीं होगा सर, फसल में घाटा नहीं होगा। चलो जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद साहब, आप आए और मेरे को इतने लोगों से जोड़ा, उनका मेरे को प्रेम मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज लोग मेरे को देख रहे हैं और कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ थोड़े बहुत, और मेरी सबसे सही बात बताऊँ तो मेरी माँ बहुत खुश है इस चीज को लेकर। तो धन्यवाद आप सबके प्यार का, सहयोग का। राधे राधे। A34 नारायण ट्रेडर्स मुहाना मंडी, यशपाल नाम है भाऊ जी। नमस्ते। राधे राधे। नमस्ते।